good morning my dear students on behalf of Rasa International School. Today I am going to teach you chapter number 17, the United Nation. And in this video, we are going to cover about the United Nations organization, how it works, and what is United Nation of Organization. So in this video we are going to cover page number 114 and 115. Before moving further. लेट्स स्टार्ट विद द डिफिकल्ट वर्ड्स जो हमारे अपकमिंग टॉपिक्स जो हैं यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू में आने वाले हैं तो पहले हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसके वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हम लोग पहले ही पढ़ लेते हैं पीस 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 मतलब शांति इंडस्ट्री मतलब उद्योग जिसको हम फैक्ट्रीज भी बोल देते हैं कॉम्पिटिशन मतलब मुकाबला रिवेलरी मीन्स विरोध करना एक्सपेंसिव कोई भी चीज़ महंगी होना और बहुत ज़्यादा महंगा पड़ना जिसको हम बोल सकते हैं डिसबल्ड मतलब मेंटली या फिजिकली इल होना बीमार होना मेंटली या फिजिकली मानसिक या शारीरिक तौर पे बीमार होना राख बन जाना किसी भी चीज का इनोसेंट मतलब मासूम एग्रेशन मीन्स आक्रमण दीज ऑल डिफिकल्ट वर्ड्स वी विल लर्न इन अपकमिंग टॉपिक्स सो लेट्स स्टार्ट जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ और जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ वर्ल्ड वॉर क्या होता है वर्ल्ड वॉर जब बहुत सारे देश आपस में लड़ पड़े तब बहुत ज़्यादा क्या हुआ पैसे बर्बाद हुए बहुत सारे बर्बादी हुई लोग भी मरे कुछ लोगों ने सोचा कुछ ग्रुप ऑफ लोगों ने सोचा कि अगर हम कुछ ऐसा करें कि जिससे ये चीज़ें जो बर्बाद हुई इतनी बर्बादी हुई इतने लोग मरे अननेसेसरी तो उस वजह से अगर बचा जा सके तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम हुआ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन देर इज अ क्वेश्चन वेन यू फाइट विद योर ब्रदर और सिस्टर हु विल स्टॉप योर फाइट डेफिनेटली योर पेरेंट्स स्टॉप द फाइट या तो मम्मा स्टॉप करती हैं फाइट को या पापा स्टॉप करते हैं राइट right? या अगर आपके कोई भी स्कूल में आ, फाइट होती है किसी स्टूडेंट से या कंप्लेन करनी होती है यू गो टू योर टीचर अगर आपको स्कूल में कोई भी कंप्लेन होती है तो आप अपने टीचर के पास जाते हैं सिमिलरली जैसे आपके घर पे अगर आप में फाइट होती है ब्रदर सिस्टर में तो आप अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं एंड योर पेरेंट्स एंड द टीचर विल टेल यू व्हाई यू शुड नॉट फाइट कि आपको फाइट क्यों नहीं करनी चाहिए उसके लिए आपके पेरेंट्स और टीचर्स आपको एक्सप्लेन करते हैं सिमिलर्ली सिमिलरली अगर दो किसी भी कंट्रीज के बीच में कोई डिस्प्यूट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको कौन सेटल डाउन करता है कौन सही करता है द यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो उनको सेटल डाउन करती है अगर कोई भी कंट्री के बीच में या किसी भी कंट्री uh, में और मोर देन टू कंट्रीज में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है कोई भी प्रॉब्लम होती है तो लेट्स स्टडी अबाउट द टॉपिक नाउ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यू एन अ बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो आपस में मिलके कंट्रीज हैं मेंबर हैं इसकी कंट्रीज वो मिलके आपस में एकदम पीसफुल मैनर में वो उस डिस्प्यूट को जो भी एक या दो दूसरी किसी भी कंट्री के बीच में आपस में प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते हैं दिस इज वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब हुआ स्टार्ट ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है मतलब एक इंडिया में नहीं है इसकी मेन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो न्यूयॉर्क में है जो मेन ऑफिस है तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हुस एम जिसका मेन काम है आर टू फैसिलिटेट कॉर्पोरेशन इन इंटरनेशनल लॉ इंटरनेशनल सिक्योरिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल प्रोग्रेस ह्यूमन राइट्स एंड अचीवमेंट ऑफ वर्ल्ड पीस की शांतिपूर्वक वर्ल्ड पीस मतलब पूरे देश में शांति रहे पूरे आ, संसार में शांति रहे ह्यूमन राइट्स ह्यूमन के जो अधिकार होते हैं उनके उनको देखते हुए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हर कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो पूरी उनकी डेवलपमेंट भी होना चाहिए उस चीजों को देखते हुए उनकी इंटरनेशनल सिक्योरिटी देखते हुए कि हर कंट्री में इंटरनेशनल सिक्योरिटी होनी चाहिए प्रॉपर कि कोई भी देश उन पर हमला ना कर दे या को हर चीज़ को देखते हुए इंटरनेशनल लॉ को देखते हुए लीगल इंटरनेशनल लॉ को देखते हुए ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो पूरा लुक आफ्टर करती है कि कोई भी कंट्री में डिस्प्यूट्स वगैरह ना हो या कोई भी उनमें अगर प्रॉब्लम है या डिस्प्यूट है तो वो सॉर्ट आउट करती है बेसिकली राइट आफ्टर द इंटरनेशनल रिवोल्यूशन इंटरनेशनल रिवोल्यूशन जब हुआ उसके बाद में मैनी कंट्रीज इन यूरोप बिकम रिच यूरोप की जो बहुत सारी कंट्रीज हैं वो क्या बन गई रिच बन गई अमीर बन गई बहुत ज़्यादा जो चेंज आया इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्री रेवोल्यूशन के बाद में यूरोप की जो कंट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा रिच हो गई अमीर हो गई मेनी फैक्ट्रीज आर इस्टेब्लिश क्योंकि वहाँ पर क्यों रिच हुई क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज बन गई थी फैक्ट्रीज बन गई थी जिससे उनको उनका प्रोडक्शन क्वालिटी गुड हो गई अच्छी हो गई और प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा फैक्ट्रियों में अगर इनकम ज्यादा होगी प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो वो कंट्री भी रिच बनेगी क्योंकि वहां पर सोर्स ऑफ इनकम का मेन मोड हो जाएगा वो राइट डीज कंट्रीज वॉन्टेड रॉ मटीरियल फॉर प्रिपेयरिंग देयर गुड्स और इन कंट्रीज को रॉ मटीरियल की जरूरत पड़ती थी कोई भी कंट्री जैसे कंट्री में इंडस्ट्रीज आई तो उनको रॉ मटीरियल की भी जरूरत पड़ती थी कच्चे माल की भी उनको जरूरत होती थी प्रिपेयरिंग देयर गुड्स अपना सामान बनाने के लिए एंड ऑल्सो मार्केट्स ओ सेल दैम और उसको माल को जो भी वो प्रोडक्ट बनाते थे या कोई भी गुड्स बनाते थे उसको सेल करने के लिए भी उन्हें ज़रूरत पड़ती थी दे वॉन्ट टू दिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और वो अपने डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से ये चीज़ें सारी चीज़ें मंगाते थे एंड एंड मेड अ फ्यू कंट्री एज देयर कॉलोनीज और उन्होंने कुछ कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनीज बना लिया था कॉलोनीज मतलब जिनसे वो अपना लेन देन करते रहते थे दिस इन्हांस्ड कॉम्पिटिशन्स एंड रिवॉल्वरी अमंग द यूरोपियन नेशन जिससे इन्हांस हो गई कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन मतलब एक मुकाबला तो दूसरी कंट्रीज में कंट्री जो थी उनमें मुकाबला हो गया कि भाई वो कंट्री में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हो गई हैं जिस वजह से वो धीरे धीरे रिच बनती जा रही है और हम वहीं के वहीं पर हैं तो बहुत सारी कंट्रीज में आपस में कंपटीशन हो गया मुकाबला हो गया कि यूरोपियन नेशन जो है बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है रिच बन रहा है दिस रिवाली रिजल्ट इन सेक टू वर्ल्ड वॉर्स इस वजह से जो टू वर्ल्ड वॉर हुए रिवॉलरी मतलब एक कंपटीशन हो गया सेम ऑब्जेक्ट के लिए सेम चीज के लिए क्यों? कि भाई एक जगह पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं तो उस वजह से वो कंट्री रिच होती जा रही है और कंट्रीज़ में ये आ गया कि भई वो कंट्री रिच पे रिच होती जा रही है और हम तो जैसे हैं वैसे ही हैं तो बाकी कंट्रीज़ में डिस्प्यूट आ गया एक रिवल मीन्स हम बोल देते हैं भावना उत्पन्न हो गई कि भाई हमें भी उनसे कॉम्पिटिशन करना चाहिए और सेम फील्ड के लिए वो लोग लड़ने लगे सेम चीज़ के लिए मैनी कंट्रीज वर इन्वाल्व इन दीज वॉर्स और इस वॉर में इस लड़ाई में बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ इन्वॉल्व हुई जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉर फ्रॉम नाइनटीन फोटीन टू नाइनटीन एटीन ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो नाइनटीन फोटीन से नाइनटीन एटीन तक चार साल चला एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो नाइनटीन थर्टी नाइन से नाइनटीन फाइव तक चला द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ जब जिसमें बहुत सारे देश आपस में लड़े उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ मोस्ट एक्सपेंसिव था बहुत ज़्यादा महंगा था क्यों क्योंकि महंगा पड़ा इसलिए क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान हुआ ह्यूमन लाइफ लोगों की जिंदगियों को बहुत नुकसान हुआ बहुत लोग अनजाने जिनको कुछ नहीं पता था या जिन्होंने कुछ नहीं किया था वो लोगों की मौत हो गई उसमें हो गई प्रॉपर्टी और बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ मिलियन uh, मतलब बहुत अरबों मिलियनों लोग मिलियन लोग उसमें डाइड हो गए मर गए एंड अ लार्ज नंबर वाज डिसेबल्ड 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 मतलब uh, जो लोग मेंटली या फिजिकली जिनके बहुत ज़्यादा असर हुआ था मेंटली कई लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे और फिज़िकली कई लोग के जैसे किसी का कुछ बॉडी पार्ट टूट गया तो डिसेबल्ड लोग हो गए थे द यूनाइट स्टेट ऑफ अमेरिका अमेरिका ने ड्रॉप्ड ऑटम बम्ब्स ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागा तो यू एस जो था अमेरिका था उन्होंने ड्रॉप्ट किए मतलब ऐटम बम गिरा दिए थे जापानीज सिटी पे जिसका नाम है हिरोशिमा और नागा पर ऐटम बम गिरा दिए थे मतलब वो वर्ल्ड वॉर जो था वो इतना ज़्यादा भयानक बोलेंगे वो था दिस वॉर इज़ रियली टेराबिक बहुत ज़्यादा डेंजरस वॉर थी ये द टू बिग इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रलाइज सिटीज़ जिसमें बहुत ज्यादा इंडस्ट्री थी जिसका नाम था हिरोशिमा एंड ये दोनों जो सिटीज़ थी ये पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी रिड्यूज टू एशेज एशेज मीन्स होता है राख राख में मिल गई थी मतलब यू एस ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अमेरिका ने उसमें ऑटम एटम बम गिराया हिरोशिमा नागा पर जिस वजह से दोनों सिटीज़ जो थी वो बिल्कुल राख में मिल गई बहुत तबाही हो गई दोनों सिटीज बिल्कुल राख में मिल गई द सेकेंड वर्ल्ड वॉर केम एज अ शॉक टू द होल वर्ल्ड जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था जो दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ उसने बिल्कुल शॉक कर दिया पूरे वर्ल्ड को पूरे संसार को शॉक कर दिया क्योंकि इतनी बड़ी दो सिटीज जो थी जिसमें इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज थी वो बिल्कुल फिनिश हो गई बिल्कुल यू नो एशज में मिल गई बिल्कुल राख बन गई बिलियन ऑफ इनोशन इनोसेंट पीपल एंड शोल्डर्स लॉस देयर लाइफ हजारों लाखों जो लोग थे इनोसेंट uh, पीपल मतलब इनोसेंट जिनको कुछ नहीं पता था जिन्होंने कुछ नहीं किया था वो लोग उसमें मर गए उनकी मौत हो गई शोल्डर्स की बहुत ज़्यादा मौत हो गई जिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिलोसफर्स एंड थिंकर्स थाट दैट द्यूज वेल्थ स्पेंड ऑन वॉर शुड बी यूज फॉर ब्रिंगिंग प्रॉस्पैरिटी एंड हैप्पीनेस फॉर द इंटायर ह्यूमन रेस जो बहुत बड़े बड़े फ़िलासफ़र थे जो फ़िलासफ़ियाँ देते थे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए जो थिंकर थे उन्होंने ये सोचा कि जो इतना यूज इतनी बड़ी तादाद में जो पैसे वेल्थ बर्बाद हुई लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हुए लोगों में और बहुत ज़्यादा जैसे लोगों की लाइफ की पे सर्वाइव मतलब उनकी लाइफ वो जीना भूल गए क्योंकि मौत इतनी हुई थी लोगों की कि वो बिल्कुल ही निराश हो गए थे तो उन्होंने बोला अगर इतना वेल्थ इसमें वॉर में लग गया इतने पैसे वॉर में बर्बाद हो गए शुड बी यूज फॉर वो यूज होने चाहिए थे अच्छी चीज के लिए प्रॉस्पेरिटी या हैप्पीनेस लाने के लिए लोगों की एंटायर ह्यूमन रेस में लोगों को खुशियां लाने के लिए वो इस्तेमाल होने चाहिए थे दीज वॉर्स मेड पीपल फील वरिड ऑल ओवर द वर्ल्ड अबाउट देयर फ्यूचर इस वॉर के कारण ये वर्ल्ड वॉर के कारण लोगों को सोचने पे मजबूत मजबूर कर दिया कि वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचें आने वाले भविष्य के बारे में सोचें। लीग ऑफ नेशन वॉज फॉर्म्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में एक लीग बनी एक कम्युनिटी बन गई एक आ, कुछ लोग जुड़े इट कुड नॉट प्रिवेंट और स्टॉप इवन स्मॉल वॉर्स जो वो कुछ नहीं पर कर पाए मतलब छोटे छोटे जो वॉर हुए दंगे फसाद हुए लड़ाइयाँ हुई उनको वो रोक नहीं पाए द लीग कु नॉट फंक्शन बिकॉज इट हैड टू मेजर फ्लॉस वो जो लीग थी जो नेशन लीग ऑफ नेशन बनी वो फ्लॉस उसमें इतने ज़्यादा फ्लॉस थे मतलब इतने ज़्यादा खामियां थी कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई जो वर्ल्ड वॉर के बाद बनी फर्स्ट फ्लॉस क्या था कि पहला क्या कारण था जिस वजह से लीग ऑफ नेशन जो थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल नेशन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वाज नॉट इट्स मेम्बर कि जो सबसे बड़ा वर्ल्ड का पावरफुल नेशन है जो सबसे बड़ी पावरफुल कंट्री है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अमेरिका वो उसकी मेम्बर ही नहीं थी इसलिए वो फ्लॉस मतलब वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाई लीग मैंबर्स नॉट विलिंग टू अपोज अपोज एग्रेशन बाई जापान इटली एंड जर्मन इन थर्टीज तो जो वहां के मैंबर थे लीग नेशन के मैंबर्स थे वो अपोज मतलब वो दूसरी जैसे जापान हो गया इटली हो गया जर्मन के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते थे नाइनटीन थर्टीज में तो इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए द लीग ऑफ नेशन इन दिस पिक्चर यू कैन सी इन दिस पिक्चर यू कैन सी द कंडीशन ऑफ द सीन ऑफ स्टेशन आर्ट हीरो मैन नागा साकी की कैसे तबाही हुई थी आप इस पिक्चर में देख सकते हैं बच्चा की कुछ भी नहीं बचा था वो पूरी दोनों की दोनों सिटीज बिल्कुल राख में मिल गई थी राइट नाउ रिसन इन पार्ट टू वीडियो थैंक यू वेरी मच है